Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing exercise 6.3. It is from class 8 mathematics and chapter is squares and square roots. इसके हमारे 5 questions complete हो चुके हैं. अब हम करेंगे इसका question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. हमें छोटे से छोटा होल नंबर निकालना है जिससे हमारा गिवन नंबर को डिवाइड करना है और जिससे हमारा एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा और जो हमारा नया नंबर आएगा उसका हमने स्केयर रूट निकालना है. जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था सेम चलेगा इसके अंदर. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर दिया था मल्टीप्लाइड, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसका हमने पेयर बनाना था इसके अंदर. जिस होल नंबर का पेयर नहीं बन रहा था हमने नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना था. लेकिन सिक्स क्वेश्चन में डिफरेंस केवल यही है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस होल नंबर से हम गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा 252. सबसे पहला स्टेप हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का है. यहाँ पे हमारा डिवाइडेड है, ये हमने क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्योंकि एक जगह आता है मल्टीप्लाइड और एक जगह आता है डिवाइडेड. तो डिवाइड में जो प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बनता उससे डिवाइड कर देंगे और जहाँ पे मल्टीप्लाइड दिया हुआ है जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बनता वहाँ पर गिवन नंबर को उस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 252 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 126 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है. 63, अब 6 प्लस 3 9 और 9 को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 3 की टेबल में आता है 9. 3 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21. यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है. 7 हैज़ नो पेयर. तो 7 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 252 शुड बी डिवाइडेड. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे. ये आ जाएगा हमारा 36. तो 36 क्या है, 36 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड नंबर इज 7. इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7 और 36 हमारा नया नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. ये आ जाएगा हमारा 6. सेकेंड हमारा 2925. सबसे पहले करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम यूनिट डिजिट देखेंगे इसकी. 5 यहाँ पे 5 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम देखेंगे इसको 3 से डिवाइड करके. 2 + 3 + 2 + 9 + 2 + 5 9 और 2 11 और 2 13 और 5 18. तो 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली. तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 975. अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 12 और 9 21 21 आता है 3 की टेबल में. तो 3 से डिवाइड करेंगे, 325. अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम बनता है हमारा 5 2 7 और 3 10. अब ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे 65, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 13. 13 हैज़ नो पेयर. 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया लेकिन 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा है. अगर हम इस नंबर को 13 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. 13 हैज़ नो पेयर, सो गिवन नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 2925 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद आ रहा हमारा 225. अब हम इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे. नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो हमारे पेयर बन रहे हैं 3 और 5 का, 3 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15. नेक्स्ट है हमारा 396. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 198, अगेन 2 से डिवाइड है 99. अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 33, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 11.
यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, केवल 11 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है. 11 हैज़ नो पेयर, 11 का कोई पेयर नहीं है. सो डिवाइड 396 बाई 11. तो हम इस गिवन नंबर को 396 को जो 11 है स्मॉलेस्ट होल नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे और जो नया नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया. नया नंबर है हमारा 396. इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे. 11 थ्री ज़ा 33, 11 सिक्स ज़ा 36. ठीक है, नए नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे. 2 और 3 ये आ जाएगा हमारा 6. फोर्थ पार्ट है 2, 6, 4, 5. लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करके, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. 5, 4, 9, 15 और 2, 17. तो 17 3 की टेबल में नहीं आ रहा है. अब हम इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है हमारा. इसके बाद होगा हमारा 23 से डिवाइड. तो 23 का तो पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है. अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे जो नया नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा. 5 हैज़ नो पेयर, सो डिवाइड 2, 6, 4, 5 बाई 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा रहा 529. अब हम नए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लें, ये आएगा हमारा 23. फिफ्थ पार्ट है 2800. अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 इवन नंबर है. 1400, 700, 350, 175. अब हम 175 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे. 7, 1, 8 और 5, 13. तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा. 35 अगेन 5 से 7 और ये 7 बच गया. 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, लेकिन 7 यहाँ पे पेयर में नहीं है. 7 हैज़ नो पेयर. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन नंबर है 2800 इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे. इससे हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. 2800 को 7 से डिवाइड किया, नया नंबर आ गया हमारा 400. तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. 7 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिससे हम अगर 2800 को डिवाइड करेंगे तो नया जो नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा. अब हम नया नंबर है हमारा 400, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे. यह आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 5, यह आ जाएगा 20. सिक्स्थ पार्ट है 1620. तो लास्ट में 0 है, प्राइम ये इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 810 अगेन 2 से, 405 अब 4 + 5 है, ठीक है, 9 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से. अब हम 3 से डिवाइड करेंगे. 135 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे. 5, 3 और 1 ये 9 होता है, 3 की टेबल में आ जाएगा. 45 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5. 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 5 यहाँ पे अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा है. 5 हैज़ नो पेयर, 5 का पेयर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सो डिवाइड 1620 बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से. 1620 5 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर आएगा हमारा 324. अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 324 का. 2 × 3 × 3 ये आ जाएगा 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किए हैं 2401 रुपीज़. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. हर एक बच्चे ने इतने पैसे दिए हैं जितने क्लास में बच्चे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास.
हमें निकालना है कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ रुपीस डोनेटेड, या कह सकते हैं मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने पैसे एक बच्चे ने दिए हैं उतने ही वहाँ पर, उतने ही उस क्लास के अंदर बच्चे हैं, ठीक है। और टोटल मनी कितना दिया वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, रुपीज़ 2401 रुपीज़। सो वी विल फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। रुपीज़ डोनेटेड, मान लेते हैं हम एक बच्चे ने एक्स रुपीज़ डोनेट की हैं और वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल मनी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। और कितनी दे रखी है हमारी टोटल मनी, 2401। अंडर रूट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा ये। अब हम 2401 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारा 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 343। अगेन 7 से 49, अगेन 7 से 7, अगेन 7 से 1, 7 × 7 ये आ जाएगा हमारा 49। तो 49 तो स्टूडेंट्स हैं और 49 रुपीज़ हर एक बच्चे ने डोनेट किए। 49 स्टूडेंट्स डोनेटेड रुपीज़ 49 ईच इन क्लास 8। 8 क्लास के 49 बच्चे हैं, उन्होंने हर एक बच्चे ने 49 रुपीज़ डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2025, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे, इतने प्लांट लगाने हैं गार्डन के अंदर, इस तरीके से लगाने हैं, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, जितनी वहाँ पे रोज हैं, जितनी वहाँ पे क्यारियाँ बनी हुई हैं, लाइनें बनी हुई हैं, उसके अंदर उतने ही प्लांट्स आने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हमें निकालना वहाँ पर कितनी रोज हैं, कितनी लाइनें हैं और हर एक लाइन के अंदर कितने वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो, एक रो के अंदर जितने प्लांट हैं मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज, कितनी वहाँ पे लाइनें हैं इज इक्वल टू टोटल प्लांट्स। मान लेते हैं वहाँ पे एक्स प्लांट्स लगे हैं एक लाइन के अंदर और वहाँ पे एक्स लाइनें हैं क्योंकि सेम नंबर है दोनों का, ठीक है, और टोटल प्लांट्स हैं हमारे 2025। तो अगर हमें ये निकालना है कि एक रो के अंदर कितने प्लांट हैं या वहाँ पे कितनी रोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा 2025, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2025, 5 यहाँ पे लास्ट में, तो अब हम इसको डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 5 × 7 × 9, तो 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 675, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करके देखेंगे, 6, 7, 13 और 5, 18, 18 भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 225। इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है, 75, 7 और 5 12 है तो 12 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 3 × 3 × 5, 45, देयर आर 45 रोज एंड 45 प्लांट्स इन ईच रो, वहाँ पे केवल या यहाँ वहाँ पे टोटल 45 लाइनें हैं और हर एक लाइन के अंदर 45 प्लांट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, 4, 9 और 10, ठीक है,
हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्केयर नंबर निकालना है जो कि 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो हमें निकालना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्केयर नंबर। आपको ध्यान रखना है, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू करना है। वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 9 एज इट इज़ रहेगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 9 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 5, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 180। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर किसका पेयर नहीं बन रहा है। 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो 180 आया है, इससे हमारा 4 भी डिवाइड हो रहा है, 9 भी डिवाइड हो रहा है। 9 को भी हम जैसे डिवाइड करके देखेंगे, 180 से हम 4 को भी डिवाइड करेंगे, 9 को भी और 10 को भी, तो हमारा 180 इजीली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो हमें परफेक्ट स्केयर बनाना है। हमारे क्वेश्चन के अंदर डिमांड ही यही है कि हमने स्केयर नंबर बनाना है, और 180 तो स्केयर नंबर नहीं है क्योंकि 5 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा। तो गेट ए परफेक्ट स्केयर, हम क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 900। सो रिक्वायर्ड स्केयर नंबर इज 900। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्केयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। सेम क्वेश्चन है हमारा, केवल इसमें नंबर्स यहाँ पे चेंज कर रखे हैं, 4 की जगह 8 है, 9 की जगह 15 और 10 की जगह 20 है। सेम मेथड रहेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम निकाल लेंगे तीनों नंबर्स का। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 5 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 120। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है 120 का, इसके अंदर अगर हम पेयरिंग करते हैं तो हमारा केवल एक ही पेयर बनता है 2 का। जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बच गए 2, 3 और 5, ये हमारे सिंगल सिंगल हैं, तो यहाँ पे इनका पेयर नहीं बन रहा है। तो हमने क्या करना है, 2, 3, 5 हैज़ नो पेयर, इनका पेयर नहीं बन रहा है। तो जो हमारा एलसीएम आया 120, इसको हम 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 × 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा हमारा 3600। और 3600 क्या हमारा परफेक्ट स्केयर है। नाउ 3600 इज़ ए परफेक्ट स्केयर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। 3600 जो है हमारा एक परफेक्ट स्केयर नंबर है, और 8 से, 15 से और 20 से हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, मैं आपको कराऊंगी फाइंडिंग स्केयर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।